नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मोदक बना सकते हैं। मोदक या तो हम बोल सकते हैं इसको मीठी कचौरी या तो घूघरा भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमको चाहिए मैदा, और हम नारियल का पिसा हुआ जो रेडीमेड आता है मटेरियल वो ले लेंगे, सूखे नारियल का। और ये हमने खारे के लिए है चीनी और काजू ली है, और थोड़े से हमने इलायची जो है उसके दाने ले लिए, जो हम ये सभी चीज़ों को जैसे कि खारे काजू इलायची के दाने चीनी और ये नारियल का जो पाउडर है उसको मिक्सचर के अंदर पीस लेंगे और उसका एक मिश्रण बना देंगे, जिसको हम मोदक या तो कचौरी के अंदर फिल करेंगे। तो चलिए प्रोसीजर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोदक के अंदर हम जो ड्राई फ्रूट का जो सब मटेरियल है वो पीस लेते हैं। सबसे पहले हम खारे को पीस लेंगे, उसके बाद जो है इसके अंदर काजू डाल देंगे और इलायची जो है वो डाल देंगे, इलायची के दाने, इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। शुगर भी थोड़ी डाल देते हैं। थोड़ा सा घुमाने के बाद अंदर जो है नारियल का जो पाउडर है वो भी डाल देंगे, जिससे कि वो मिक्स हो जाए। इसको बहुत पेस्ट नहीं बनाना है, पीस के थोड़ा सा खुरदुरा रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाने के लिए बन गया है, और मिश्रण जो भी आप बोले इसको जो है आप किसी कटोरी के अंदर निकाल लीजिए। और फिर हम इसके बाद आगे प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं।
लिया है, जो है उसकी छोटी छोटी जैसा बनाएंगे उसके अंदर ये फिलिंग करेंगे, तो प्रोसेस हो जाते हैं। आटे के गोले बनाएंगे, पहला मोदक तो हमने बना दिया है, थोड़ा सा छोटा बना है, तो थोड़ी सी पूरी जो है बड़ी ले लेंगे। थोड़ा सा चावल दे देना,
ये जो है हमारा तेल गर्म हो गया, तो हम मधु को तेल में तेल लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे मोदक जो है अच्छे से तल चुके हैं। इस तरीके से थोड़ा सा इसकी पोटली बनाना थोड़ा सा कठिन काम है, आप मेहनत करेंगे तो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अभी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है दिखने में, तो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक ही बना है शेप में, अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, मतलब पोटली बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा अच्छे से। तो आप भी ये घर पे बनाइए, त्योहारों में खाइए, दशहरे पे खाइए, दिवाली पे खाइए, उत्तरायण पे खाइए, और जीवन का आनंद लीजिए।